हाय गाइस, आज मैं अपने चैनल पे पहला व्लॉग डालने वाला हूँ। थोड़ा बात करने में प्रॉब्लम होंगी बिकॉज फर्स्ट व्लॉग है। इससे पहले प्रैंक करता था। अभी बजे है एक बजने में आधा घंटा कम है, तो फिर हम जा रहे हैं तालाब में 3:30 बजे शायद, नहीं तो 4 बजे के बाद जाएंगे। सो फर्स्ट व्लॉग है, सपोर्ट गाइस। प्रैंक आएगा बट अभी नहीं आएगा, अभी पहले व्लॉग बाद में प्रैंक। अगला वीडियो मेरा प्रैंक होगा, व्लॉग नहीं। सो चलते हैं। हेलो गाइस, हम जाने वाले हैं, आप यहाँ से तो हम पैदल जाने वाले हैं जनवना तालाब तक। अभी यहाँ से मैं रहता हूँ केशव नगर मड़ी खाम का, ये एरिया आप पहचानते होंगे। सो मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ से तो जनवना तालाब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने किलोमीटर का है, पर पहुंच जाएंगे जल्दी। सो देखते हैं आप। सो हेलो गाइज, आता पैदल चल लो तो बाकी फ्रेंड्स साथ तीन जन चल लो जन चलो सरल चल दो ज़्यादा ते मराठी काम है मराठीत बोललो कारण सर्व मराठी है आम्ही, त्यामुळे थोडंसं मराठीत बोललो। आता हम अब हम यहाँ से सीधा जन्म तलाव में पैदल जा रहे हैं। यू कैन सी नेशनल हाईवे नंबर 6। तो इससे हमें आगे जाना है सीधा आगे। तो चलिए यहाँ से हमें एकदम सीधा जाना है। सो ये भी टाइम लैप्स में बता दूंगा। पार्ली जी की फैक्ट्री खामगौमी की। जितने भी खामगांव में पार्ली जी के या फिर पार्ले कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सब इसी फैक्ट्री से आते हैं। मेन चलना तलाव पूर्ण अंदर गार्डन होता।
इकडे प्राणी राहत होते. इथं पहिले प्राणी पण राहत होते, पण ते जेव्हापासून तो हे आला लॉ तेव्हापासून सर्व बंद केलं. वाघ होतं वाटतं इथं, मी लहान होतो तेव्हा सांगलं होतं. खूप मस्त आहे. पहिले बहुत सारे प्राणी भी रहते थे, भालू हो गया, शेर हो गया, हर संडे इस टाइप के रहती थी, इसलिए हम संडे वाले जाते ना. अरे बाप, ते खरा दे सांगू रे बाप. अबे असा जाता एक बनवा लागिन नाना आणि पापचा. झुला तू तिथं नाही रे बाशी तर वर जाऊ. इकडनं शिध वरच जाणार आहे. वहाँ है रास्ता यहाँ से सीधा ऊपर ऊपर जाना. जब इसमें ओवरफ्लो होता है पानी तो पूरा ये यहाँ से इधर तक नीचे आता है. अभी चलते हैं ऊपर. तलाव आहे. हा इथं स्विमिंग करायला खूप माहोल मजा येते. तलाव पुरा या असे पाणी यहाँ पे जाता था. यहाँ पे लोग स्विमिंग अभी भी करते. इकडचंच पाणी पूर्ण खामगावला जायचं. एक पाणी पूर्ण खामगावहून नल से जाता था, बट अभी गेरू मार्केट गाव का जाता है. और आप कौन सी लैंग्वेज कंफर्टेबल लगती है व्लॉग के लिए तो मेरे को कमेंट में बताना, हिंदी या मराठी. मैं पहला व्लॉग है इसलिए दोनों लैंग्वेजेस में बात कर रहा हूँ. स्विमिंग करके अभी आ रहे हैं तीनों के तीनों. सो कभी टाइम मिले तो आप भी आना, एक नंबर जगह है खामगांव की. और अभी यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जा रहे हैं. अब कुछ मत देखना हमारा. सच में कुछ मत देखना. आप यहाँ से पानी आता था पहले, यहाँ से पूरे यहाँ से पानी आता था. आगे जाके वापस डैम में जाके मिलता था पानी. वो डैम ओवरफ्लो हो गया था ज़्यादा ही, इस कारण हुआ था वो. अभी मेरे पैर कुछ सूख नहीं रहे इसलिए बैठा हुआ हूँ ऐसे. ये जगह एक नंबर है फोटोशूट के लिए, आप देखिए आगे. एक नंबर जगह है ये फोटोशूट के लिए. अगर फोटोशूट करना हो तो ये लोकेशन पे ज़्यादा लोगों ने किया नहीं. आप देख सकते हो कितने सारे पत्थर हैं मेरे पीछे भी, बहुत सारे पत्थर हैं. ऐसे पत्थर आगे तक भी है और यहाँ से पीछे तक भी है. तो तालाब पे आए और स्विमिंग की और पैदल आए मेन. अभी अगला व्लॉग या फिर अगला प्रैंक जल्दी डालने की कोशिश करूँगा. सपोर्ट ऐसे ही देते रहिए सब. और कौन सी लैंग्वेज आपको फेवरेबल है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू? इंग्लिश और उर्दू आती नहीं इतने अच्छे से, सिर्फ लड़कियों से बात करता हूँ इंग्लिश में. संस्कृत के तो सेंटेंस भी पढ़ते नहीं आते.
आंटी नहीं सुख रही यार। तो ये कपड़े पहन के रेडी भी हो चुके हैं और ये भाभी पहन रहे और मैं वैसे ही बैठा हुआ। एक नंबर जगह है। अगर गर्लफ्रेंड है और लेके जाना है कहीं पे तो एक नंबर जगह है। पुलिस ज़्यादा आती नहीं है और अगर आई तो भागने के लिए बहुत सारी जगह है। अगर खामगांव में रहते हो और कभी जन्नत तलाव आए नहीं तो ज़रूर आइए, एक नंबर प्लेस है। ऐसा मत करना, अपने बाप की जगह है, कुछ भी फेंकोगे तालाब में तो डांट के पुलिस वाले भी आते हैं कभी कभी। एक और बात, आपको अगला व्लॉग चाहिए या प्रैंक ये भी कमेंट करना, और हिंदी या मराठी मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप कमेंट करें, बिकॉज कमेंट में मैं आपको यही चीज़ पूछ रहा हूँ, हिंदी या मराठी लैंग्वेज आपको कौन सी ज़्यादा फेवरेबल है। सो जितने ज़्यादा मराठी के लिए कमेंट आएंगे अगला व्लॉग मराठी में होगा, हिंदी जिनको आती है वो हिंदी। तो मैं देखूँगा कौन से लोग मेरे चैनल को ज़्यादा देखते हैं। खामगांव में मराठी ज़्यादा चलती है इसलिए मराठी में कुछ सेंटेंस लाइन कुछ प्रैंक में बोले हैं, मैं व्लॉग में बोले हैं मैंने। और अगला वीडियो जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगा, वो अभी मैं 10th में हूँ और 10th के पेपर्स होंगे नहीं होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, सो इसकी कुछ गारंटी नहीं, इसलिए थोड़ा सा इसलिए थोड़े घर वाले डांटते कि वीडियो मत बना। बट जैसे फर्स्ट पेमेंट आएंगी घर वालों को भी लगेगा कि नहीं भाई कुछ कर रहा है अपने दम पे, तो घर वाले तब सपोर्ट करेंगे। अभी सिर्फ मम्मी सपोर्ट करती है, घर वाले बाकी की ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, करते हैं बट इतना नहीं बोलते, पढ़ाई पर पहले कर जॉब पे लग। हमें कपड़े बदल ले होते छत्री जिकडून ऐकतो तुम्ही, जहाँ से आप सुनते हैं कि बहुत लोग छतरी से कूदते हैं तो इसके ऊपर से नीचे पानी कूदने कूदते हैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ घर, सो बाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तक ये है अंदर तक, ऐसे यहाँ पर भी है बट यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। जब खामगांव में बारिश आई थी तो इसके ऊपर से पानी फ्लो कर रहा था, सो आप ही सोच सकते हो इतने सारे पानी यहाँ से फ्लो कर रहा है। नीचे जाते हैं, सो यहाँ पर मज़ा बहुत आता है। अगर फ्रेंड्स के साथ आओ या अपनी आइटम के साथ आओ, हर जगह मज़ा बहुत आता है। अभी अगला व्लॉग अगर नाना नानी पार्क स्टार्ट हुआ तो फिर वहाँ पे, अगर आपको भी कोई लोकेशन बतानी हो हमें तो इंस्टा पे DM, इंस्टा की आईडी फ्लैशअप है मेरे स्क्रीन पे अभी। सो ये तो मेरी एक इंस्टा की आईडी है, इधर बताना कि भाई इस जगह पे व्लॉग बनाओ। वो थोड़ा सा मैं थक गया स्विमिंग की तो इसलिए थोड़ा सा बोलना जान पे आ रहा है। एक नंबर जगह है पर फाइट करते हुए, फाइटिंग भी चालू रहती कुत्तों की, मतलब अगर लाइफ से बोर हो गए होंगे कुछ टाइम पास करना है सो यहाँ पे आ जाओ, एक नंबर जगह है, लास्ट टाइम का व्यू। और अभी वापस हम घर पे जाएंगे तो उतना तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है,
टाइम लैप्स पे देख ही लिया है आपने, चलना टाइम लैप्स पे देख ही लिया है रास्ता, और रास्ते में अगर कुछ भी हो तो गूगल मैप पे डाल देना, सीधा आ जाता है। और थोड़े से खिलौने भी है, अबे थोड़े से खिलौने भी है यहाँ पे खेलने के लिए, तो खिलौने भी है वहाँ पे, झूला है, एक स्लाइड है, पर इस स्लाइड पे जाना मत, पूरी जंगी हुई स्लाइड है ये। सो बंदर भी यहाँ पे बहुत घूमते हैं, पूरे पेड़ों में बंदर ही बंदर है। ये देखिए कितने सारे बंदर है, आगे भी बंदर बैठा हुआ है, आपको दिख रहा होगा तो। और हाँ, यहाँ पे आओगे तो पानी लेके आना पीने के लिए, बिकॉज इधर पानी है ही नहीं। चौधरी देशा जवर जाऊन को मारता ते बंदर है सब, अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं थोड़े। अभी जा रहे हैं घर, सो अभी जा रहे हैं घर। अगला व्लॉग या प्रैंक जो चाहिए वो कमेंट कर दो, और लैंग्वेज भी बता देना एक बार कौन सी है। गुजराती मत बताना सिर्फ, हाँ मेरे को आती नहीं, मेरे को दो ही लैंग्वेज आती सर। सो और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी रहेंगी आपको तो मैं घर पे जाके दूंगा ही, तो अभी के लिए बाय बाय। इस घर पे आ चुका हूँ, मम्मी ने बना के रखा हुआ है खाना पहले से ही, पूरा थक गया था पैदल ही वापस आए, अभी खाना खाऊंगा और अब बस।